अपनों के लिए कभी भी कुछ करो तो उन्हें सुनाना बंद करो। हम क्या करते हैं, अक्सर अपनों के लिए कुछ करते हैं और फिर उसे सुनाते हैं, देख तेरे लिए मैंने ये किया, देख मैंने तेरे लिए ये किया, और सबसे ज्यादा वो हर्टिंग होता है। एंड कई बार मैंने देखा है, कई बार पेरेंट्स एक दूसरे को बहुत सुनाते हैं, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को बहुत सुनाते हैं, एंड होता क्या है, बाद में उसी शब्दों की कोई वैल्यू नहीं होती, और कई बार इसी शब्दों की वजह से लोग आपको हेट करना शुरू कर देते हैं। मधुमक्खी होती है, वो बहुत मेहनत करती है, एक एक फूल में से रस चूस के लाती है और हनी बनाती है। ये मीठा शहद सबको अच्छा लगता है, पर मधुमक्खी को कोई रखना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि वो मेहनत तो करती है पर वो डंक मारती है। एंड जब आप अपनों को ताने मारते हैं, दैट मींस आप उनको डंक मारते हैं। तो हो सकता है कि आपके काम शहद जैसे होंगे, बट अगर आपकी डंक मारने की आदत होगी तो आपके अपने भी आपसे दूर भागना शुरू कर देंगे। कई बार हमारा बिहेवियर भी अपनों के साथ इतना गलत होता है, गलत शब्दों के साथ हमारा बर्ताव भी लोगों को अपनों से दूर कर देता है। मैं तो देखती हूँ कई बार लोगों का बर्ताव इतना रूड होता है, इतना रफ होता है, कि कई घरों में ऐसी हालत है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घर में आते हैं और घर वाले खुश हो जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घर से बाहर जाते हैं और घर वाले खुश हो जाते हैं। तो जरा चेक कीजिएगा कि आप कौन सी कैटेगरी